Myself, Dr. Sunita Pandey, Associate Professor in Economics, SK Government Girls College, Sikar. Students, today we are going to study about static, comparative static and dynamic analysis and positive and normative economics. आज के इस वीडियो में स्थैतिक विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण और गत्यात्मक विश्लेषण के बारे में हम चर्चा करेंगे. अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियों में मुख्य रूप से हम स्थैतिक, तुलनात्मक स्थितिक और गत्यात्मक विश्लेषण का अध्ययन करते हैं. स्थितिक विश्लेषण का अभिप्राय यह होता है कि जब हम अर्थशास्त्र के किसी सिद्धांत में विभिन्न आर्थिक चरों को एक स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं तो वह स्थैतिक विश्लेषण कहलाता है. स्थैतिक विश्लेषण का मतलब होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में बात करते हैं. स्थैतिक विश्लेषण एक समय रहित अवधारणा है. स्थैतिक विश्लेषण का ये कतई मीनिंग नहीं है कि अर्थव्यवस्था में गतिहीनता की स्थिति होती है, बल्कि इसका अभिप्राय ये होता है कि एक अर्थव्यवस्था में एक पर्टिकुलर टाइम में जो चलने की दर है वह, या कहें कि जो गति है, उसकी बढ़ने की दर स्थिर रहती है, एक समान दर से वृद्धि होती रहती है. अब यहाँ पर हम स्थैतिक विश्लेषण को और तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण और गत्यात्मक विश्लेषण को माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के एग्जांपल के साथ में अध्ययन करेंगे. लीजिए, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी से. स्टैटिक एनालिसिस इन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में हमारे सामने ये प्राइस डिटर्मिनेशन मॉडल दिया हुआ है, जिसमें एक रेखा चित्र के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. इस रेखा चित्र में डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक साथ में दिए हुए हैं. ई पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं और ये ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का निर्धारण होता है. तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में इस ई पॉइंट की स्टडी करना स्टैटिक एनालिसिस कहलाता है. स्थैतिक सार में जो कि एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में हमें बतलाता है. इसके पश्चात हम आते हैं कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस में. तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण का अभिप्राय ये होता है कि जब हम दो अलग अलग साम्य के बिंदुओं की आपस में तुलना करते हैं. यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखेंगे कि किसी भी कारण से डिमांड में वृद्धि हो जाती है और डिमांड कर्व दाहिनी ओर शिफ्ट होकर के डी डी से डी वन हो जाता है. इनिशियल स्टेज में डी डी डिमांड कर्व है और एस एस सप्लाई कर्व है, जिसके ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता है, जहां पर ओपी प्राइसेस और ओक्यू क्वांटिटी तय होती है. अब यदि किसी कारण से डिमांड कर्व में शिफ्टिंग हो जाती है, ये दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है, मांग बढ़ जाती है, तो ऐसा होने पर अब नया साम्य का बिंदु E1 हमें प्राप्त होता है. इस E1 बिंदु पर प्राइसेस ओपी 1 होती है और क्वांटिटी ओक्यू 1 हो जाती है. तो जब हम ई और E1 पॉइंट की आपस में तुलना करते हैं, यानी जब हम दो अलग अलग साम्य के बिंदुओं की आपस में तुलना करते हैं, तो यह तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण कहा जाता है. इसके पश्चात हम आते हैं डायनेमिक एनालिसिस यानी गत्यात्मक विश्लेषण पर. गत्यात्मक विश्लेषण जिसमें तिथिकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें समय को साथ लेकर के चलना पड़ता है, इसमें जो फलन दिया होता है वो अंतरालयुक्त फलन होता है. यहाँ पर पुनः हम देखेंगे कि हमारे सामने प्राइस डिटर्मिनेशन मॉडल दिया हुआ है. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का प्राइस डिटर्मिनेशन मॉडल लेकर के हम जब अध्ययन करते हैं, डायनेमिक एनालिसिस करते हैं, तो हमारे सामने दो प्रकार के मकर जाल हमें प्राप्त होते हैं. यहाँ पर आपको डिमांड एंड सप्लाई कर्व दिखाई दे रहे हैं और ये दो अलग अलग रेखा चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जो पहला रेखा चित्र है यह स्थिर मकर जाल कहलाता है और दूसरा रेखा चित्र जो है वह अस्थिर मकर जाल कहलाता है. इस पहले डायग्राम में जब एक बार साम्य भंग हो जाता है तो घूम फिर करके पुनः उसी साम्य के बिंदु को प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अस्थिर मकर जाल का मतलब ये होता है कि जब साम्य का बिंदु एक बार भंग हो जाता है तो पुनः उस साम्य के बिंदु को प्राप्त करना संभव नहीं होता है. तो इस तरह आपने देखा कि स्थैतिक विश्लेषण, तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण और गत्यात्मक विश्लेषण की सहायता से हम आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं. लीजिए, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं. यहाँ पर हमारे सामने मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल दिया हुआ है, जहां पर आप देख रहे हैं कि y इक्वल टू सी प्लस आई एक एग्रीगेट सप्लाई कर एंड y इक्वल टू सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड कर हमारे पास में दिया हुआ है. ये दोनों वक्र ई पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर ओ वाई नेशनल इनकम का निर्धारण होता है. ये ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और साथ ही साथ यहाँ पर इफेक्टिव डिमांड का भी निर्धारण होता है. तो जब हम इस ई पॉइंट का अध्ययन करते हैं तो यह स्टैटिक एनालिसिस कहलाता है. इसी तरह से मान लीजिए कि इकोनॉमी में
यदि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो जाती है और ऐसा होने पर जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये ऊपर की ओर शिफ्ट होकर के y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई के रूप में हो जाता है। इनिशियल स्टेज में जब एग्रीगेट डिमांड कर्व y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व y इज इक्वल टू सी प्लस आई एक 45 डिग्री के एंगल के रूप में 45 डिग्री की रेखा के रूप में होता है, तो ऐसी स्थिति में ई बिंदु पर साम्य होता है जहां पर ओ वाई राष्ट्रीय आय निर्धारित होती है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में स्वायत्त विनियोगों में वृद्धि हो जाती है और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व यहां से शिफ्ट होकर के ऊपर चला जाता है तो साम्य का बिंदु भी ई से परिवर्तित होकर के ई1 हो जाता है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है और राष्ट्रीय आय बढ़कर के OY1 हो जाती है। तो अब यहाँ ई और E1 इन दो अलग अलग बिंदुओं की आपस में जब तुलना की जाती है तो यह तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण कहलाता है। इसके पश्चात हम आते हैं डायनेमिक एनालिसिस पे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि गत्यात्मक विश्लेषण का मतलब होता है कि जिसमें तिथिकरण की आवश्यकता होती है। गत्यात्मक विश्लेषण विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें हम परिवर्तन के मार्ग का अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस में आपने देखा कि पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है और दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई1 है, लेकिन जब हम डायनेमिक एनालिसिस के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो हम उस समय मार्ग का अध्ययन करते हैं, हम उस मार्ग का अध्ययन करते हैं जिस मार्ग से होते हुए ई से साम्य ई1 पर पहुंचता है। यानी इनिशियल स्टेज में जब एग्रीगेट डिमांड कर y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है और एग्रीगेट सप्लाई कर y इज इक्वल टू सी प्लस आई एक 45 डिग्री की रेखा के रूप में होता है तो इस ई बिंदु पर इक्विलिब्रियम होता है और ओ वाई राष्ट्रीय आय निर्धारित होती है। अब यदि स्वायत्त विनियोगों में वृद्धि कर दी जाती है तो ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये यहाँ से शिफ्ट होकर के ऊपर चला जाता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई और साम्य का बिंदु ई से ई1 हो जाता है और साथ ही साथ राष्ट्रीय आय y से बढ़कर के y1 हो जाती है। राष्ट्रीय आय में एकदम से वृद्धि नहीं होती है, राष्ट्रीय आय एकदम से y से y1 पर नहीं जाती है बल्कि ये एक पर्टिकुलर मार्ग पर चलते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि शुरू में ई एफ के बराबर मात्रा में जब स्वायत्त विनियोगों को बढ़ाया जाता है तो ऐसा होने पर एफ जी के बराबर आय में वृद्धि होती है। जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आय के बढ़ने के कारण पुनः विनियोगों में वृद्धि की जाती है और जी से एच तक स्वायत्त विनियोगों में पुनः वृद्धि होती है। जब पुनः विनियोग बढ़ते हैं तो पुनः राष्ट्रीय आय में एच से आई तक की वृद्धि होती है। एक बार फिर से जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो फिर विनियोगों की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ती है और ये क्रम लगातार चलता रहता है और इस प्रकार से एक निश्चित गति से एक निश्चित मार्ग से होते हुए राष्ट्रीय आय एक स्थान से दूसरे स्थान तक या कहें कि एक साम्य से दूसरे साम्य के बिंदु तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि गत्यात्मक विश्लेषण विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें हम समय को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं। ये हमें दो अलग अलग साम्य बिंदुओं के मार्ग के बारे में बताती है, उस मार्ग का अध्ययन करती है और इस अध्ययन में हमें तिथिकरण की भी आवश्यकता होती है। अब हम ये जानेंगे कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यानी यथार्थ मूलक विज्ञान के रूप में जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र यथास्थिति का वर्णन करता है, जैसे कि साम्य स्थिति या साम्य कीमत का निर्धारण या राष्ट्रीय आय का निर्धारण। यथार्थ मूलक अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का दायित्व केवल वर्तमान स्थिति का विश्लेषण और आर्थिक चरों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करने तक ही सीमित रहता है, जबकि आदर्श मूलक अर्थशास्त्र की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि ये ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करता है जिनका आधार नैतिकता है, साथ ही यह उन सिद्धांतों की व्याख्या भी करता है। इसके साथ साथ आदर्श मूलक अर्थशास्त्र भले और बुरे का निर्णय करता है, यह हमें ये बताता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जबकि यथार्थ मूलक अर्थशास्त्र यथा स्थिति के बारे में बताता है, वर्तमान स्थिति के बारे में बताता है, जबकि वास्तविक या यथार्थ मूलक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का कार्य समस्याओं के कारणों का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना ही होता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में आपने देखा कि अर्थशास्त्र जो है वह यथार्थ मूलक अर्थशास्त्र या कहें कि यथार्थ मूलक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान दोनों के रूप में कार्य करता है।